ओम नमः शिवाय जय महाकाल। नारद पुराण के अनुसार कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं हारी दुखारी बीमारी में तो व्रत छूट जाता है तो उसका अपराध मनुष्य को नहीं लगता। वैसे इस ग्रंथ में लिखा है कि मान लो माँ व्रत रखती है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं, और माँ के मस्तक पर दर्द होने लग गया या उनको कोई बड़ी परेशानी होने लग गई तो क्या दवाई या औषधि लेने से कोई भी व्रत खंडित होता है? तो नारद पुराण कहती है ऐसा होने से कोई भी व्रत खंडित नहीं होता। नारद पुराण कहती है कि एक धोखे में अन्न लिया गया, यानी मान लो एकादशी का व्रत रख रहे हैं और प्रसाद बट रहा है और आपको ध्यान नहीं था और उस प्रसाद को थोड़ा सा या पूरा आपने खा लिया, फिर सोचे अब क्या, अब तो व्रत खंडित ही हो गया है, अब खाना खा लें, हमारा व्रत तो खंडित हो ही गया है। तो ऐसा करने पर यदि आपने अन्न खा लिया तो इसे घोर अपराध माना जाता है, क्योंकि एक बार अनजान में आपके मुख में अन्न गया है, फिर आपने अन्न की लालच में फिर से अन्न खा लिया है तो ये अपराध माना जाता है। तो आप सोच रहे होंगे तो क्या करें, तो नारद पुराण कहती है कि जो अनजान में व्रत में अन्न गया है उससे कोई भी व्रत खंडित नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो कुल्ला कर ले और भगवान से माफी मांग करके वो व्रत को फलाहार पूरा करे तो उसका व्रत पूर्ण माना जाएगा। लेकिन यदि अन्न के लालच में व्रत को मनुष्य खंडित कर देता है तो उसे उतना ही पाप लगता है जितना कि एक मनुष्य की हत्या करने पर पाप लगता है, ऐसा नारद पुराण में वर्णित है। हर हर महादेव।